नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब मैं दादरा ढोलक की दूसरा लेसन लेकर आई हूँ। थोड़ा सा हम पाउडर लगा लेते हैं हाथ में, क्योंकि नए नए बिगनर्स लोग रहते हैं तो उनकी उंगलियां ऐसी ऐसी चलती हैं, अच्छे से चलती नहीं, तो ये थोड़ा सा हाथ में पाउडर लगा लें इस प्रकार से, तो ये ढोलक में अच्छी फिसलन देगी इस प्रकार से। देखिए, तो पिछली बार हमने क्या बताया था दोस्तों कि ये वाला भाग चाटी होता है और ये वाला भाग बेस होता है। तो पिछली बार मैंने बताई थी ना ऐसा करना है। हम दादरा की ढोलक सीखने के लिए मेरा पहला लेसन है, आप लोग पहला लेसन शायद देखे भी होंगे, और नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाकर देख लीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आगे और भी वीडियो डालती रहूं। तो देखिए, पहले फर्स्ट में हमने क्या बताया था, ये वाले भाग को क्या बताया था हमने, और ये वाला भाग सिर्फ एक बार करना है इस प्रकार से। और हमने जल्दी जल्दी बजाकर भी बता दिया था इस प्रकार से। आप थोड़ा सा इससे आगे करेंगे हम, तो कैसा करेंगे, ये उंगलियों को खोलेंगे और ये वाला तो इसी तरह से रहेगा, इस प्रकार से करेंगे। ये वाली उंगली है, पहले इसको करना है, फिर ये लास्ट की उंगली, इस प्रकार से, इस प्रकार से। पिछली बार हमने क्या बताया था, मैं फिर से दोहरा रही हूँ। ऐसा देखा आपने पिछली बार मैंने क्या बताया था, इस प्रकार से बताया था। इस प्रकार से अब हम उंगलियों को खोल लेंगे, और सबसे पहले ये वाली उंगलियों को ऐसा करेंगे, फिर ये लास्ट वाली, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, इस प्रकार से। देखो, मैं ना थोड़ा सा पाउडर लगाई तो हाथ में रखी चल रहा, इसी प्रकार से आप लोग भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस इस प्रकार से ज्यादा करिएगा तो ये उंगलियां बिल्कुल ढीली पड़ जाएंगी। फर्स्ट में मैंने क्या बताई थी, पहले ये वाले हाथ को करना है, फिर ये दो बार। अब आज मैं क्या बता रही हूँ, पहले ये वाले को करना है, फिर ये वाली उंगली जाएगी, फिर ये वाली उंगली जाएगी, ये जाएगी, फिर ये जाएगी, तो मैं यही बजाकर बता रही हूँ। देखिए, लग रही है ना ये दादरा की ढोलक, तो देखिए हम बजाकर बताते हैं। ये वाले हाथ को भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार ठोकना है इस प्रकार से। पिछली बार हमने इतना टक तो उठाया था, आप लोगों ने सीखा होगा। अब हम ये वाली उंगली करेंगे और ये वाली को खोलेंगे इस प्रकार से। जब ये उंगली में हाथ जम जाएगा इस प्रकार से, इसको हम तीन बार करेंगे, फिर इसको इस प्रकार से, इस प्रकार से नहीं करना है, लगातार एक ही स्थिति में नहीं करना है, ऐसा करना है इस प्रकार से। देखो, ये उंगलियां आपकी इस प्रकार से जाएंगी ना, तो बजा, अब बजाने में ऐसे तो बजा लोगे, फिर इसको मिला के कैसे बजाना है, ये पूरी उंगलियों को इसको मैं आगे बताऊंगी। फिर सावन के झूलों ने मुझे को बुलाया, मैं परदेसी एक।
मिलाते हुए दादरा ढोलक जब अच्छे से बनने लगेगी ना तो आप लोग खुद खुश हो जाओगे। और हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको फिर दोहराऊंगी।